कुर्सी पे लेके जाते हैं चार आदमी अगर कोई बीमार हो जाए तो। कम से कम इतना रास्ता हो तो कि स्कूटी से तो जा सके, स्कूटी से तो हम आ सकते, कार का ना हो स्कूटी का रास्ता तो दे दे। आज हमारी श्रीमती जी बागडोर संभालेंगी। अक्सर मैं ही संभालती हूँ। बैक करने में दिक्कत होती है वैसे इसको। देखा मैंने स्टार्ट किया तो ये हॉर्न बज गया ना, आपने बज नहीं रहा था। ये देखो मतलब गाड़ी में जो भी चलाती है कुछ ना कुछ दिक्कत इसी की वजह से। देखो इनके टाइम में हो गई थी, इनसे बज नहीं रहा था, कह रहे प्रॉब्लम आ गई, और अब देखो मैं कर रही हूँ अपने आप। हेलो शिव भाई, क्या हाल है? कहाँ पे हो भैया? झरने में हूँ जी। झरने पे हो तो मैं पहुँच रहा हूँ, आधे पौने घंटे में पहुँच जाऊंगा आपके पास, आधे घंटे में जाए ज्यादा। कहाँ निकल गए घर से? हाँ घर से निकल लिया। हाँ चलो ठीक है ठीक है, आ जाओ। तो भाई गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ड्राइव करने में मस्त है, हमें ध्यान से करती है, और मेरी तरह घूमने जा रहे होंगे। तो भाई आज हम जा रहे हैं पटना फॉल, पटना फॉल पटना विलेज, पटना विलेज। तो अभी जो बात करी शिव भाई हैं, ये पटना फॉल की वहाँ पे क्या कहते हैं शॉप है पटना फॉल पे। ये जब मैं अटक जाता हूँ ना करेक्ट करते रहती है। तो देखो मैं कितना ध्यान देती हूँ ना, सामने देख रही हूँ, कैमरे में नहीं देखूंगी। क्या कह रहा था, बोल रहे हैं पटना फॉल में इनकी शॉप है। हाँ तो पिछली बार जब हमने आपको पटना फॉल दिखाया था, हम अननोन थे बिल्कुल, इनसे बातचीत हुई हमने वहाँ पे, इनके मैगी वगैरह खाई तो ऐसा प्रेम बढ़ा कि कई दिनों से बोल रहे थे कि भाई शर्मा जी आप आ जाइए गांव, गांव घुमा दीजिए, आपको गांव घुमा देंगे। तो मैंने कहा भाई चलो, अब इतने कोई प्रेम से बुला रहा है और शर्मा जी ना जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज उनके गाँव जा रहे हैं। पीछे लगा हुआ है जाम, क्यों? क्योंकि बैरिकेडिंग हो रखी है। क्योंकि बैरिकेडिंग हो रखी है। दिल्ली मतलब उत्तराखंड से बाहर से आने वाली गाड़ियों को स्पेशली रोका जाता है, उनके कागज पत्र चेक किए जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत जाम। मैं ड्राइव खुद कर रही हूँ ना तो मुझे रास्ते याद हो गए हैं और इनको पूछने पड़ते। अब मैं कह रही हूँ यही रास्ता है ना, नहीं यही नहीं है। अब मैं चलाऊंगी तो सारे रास्ते खुद याद हो जाएंगे, एकदम स्कैन हो जाती है आंखों के अंदर, और ये कंफ्यूज करते थे हमेशा। मतलब इसके बिना मेरी गाड़ी का उद्धार होना लगभग असंभव है, ये ऐसी बात ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है ना। और क्या, सर में दर्द हो रहा है सुबह से, पता नहीं क्यों हो रहा है, मेरा नॉर्मली होता नहीं है पर हो रहा है। पराठे कहीं खा गए? भाई ऋषिकेश से पिछली बार जब हम आए थे तो कई लोगों ने पूछा था कितनी दूर है, 7 या 8 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश से यहाँ पे, है ना। वैसे तो हमने इसका वीडियो पहले बना रखा है पर फिर भी दिखा देते हैं थोड़ा। पटना विलेज पटना वाटरफॉल के नाम से हमारा वीडियो है। शायद आई बटन में लगा भी दूंगा, नहीं तो पटना वाटरफॉल के नाम से ऋषिकेश में हमारा वीडियो ही आएगा, तो वो आप देख सकते हैं। हमेशा की तरह फिर कुछ ना कुछ भूल गई है ये, आपने आपकी कैप। ठंडक है यहाँ पे, है ना, और अच्छी वाली ठंड है, चुभने वाली ना, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो लग रहा था कि वॉर्म वॉर्म, मतलब वॉर्म का मतलब हॉट लग रहा था गाड़ी में। फाइनली शर्मा जी की कैप ले आई है, अपना कुछ चीज रखते ही नहीं है, ग्लव्स मैंने पहले ही रख दिए थे। वैसे मैं कई बार सोचता हूँ अगर ये मेरे जीवन में ना हो तो मेरा क्या हो, तो मेरी जिंदगी आराम से। तरीके क्या सॉलिड रिप्लाई है, बोलिए कि चलो मजाक था। खुद भी तो कुछ भी बोल देते हैं। मतलब मैं इसकी जिंदगी में ना हो तो सुकून हो, मतलब आप अगर सुधर जाओ तो। नहीं कितनी बड़ी बात बोली, दिल तोड़ दिया। ऐसे तो पता नहीं आप कितनी बार तोड़ते हो दिल में, ऑफ कैमरा। मैंने ऑन कैमरा मजाक कर दिया तो दिल में ले लिया। सही में अब तो कैब चेंज की है, कानों में ठंड लगनी अब कम हुई है। थैंक यू बोलो मेरे को। थैंक यू, थैंक यू का बोल गया तूने, मैं बात कही है ना, चलो नौटंकी ला। वो दिल पे वो याद रहेगी।
ज्यादा नौटंकी करने के लिए ऐसी बात दिन में बहुत बोलते हो आप। नहीं तूने तो उनके पूछ जा, तू मर जा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तू मर जाएगी तो मैं चैन से रह लूंगा। ये है ऐसी जगह में टूरिस्ट आ तो जाएंगे नेचुरल ब्यूटी देखने, पर ये गंदा करके जाएंगे उसको, ये नहीं करना चाहिए। भाई हमारे व्यूअर तो यार कसम खाओ, अगर हमारे वीडियो देखने के बाद अगर आप पटना फॉल या विलेज आओ ना, प्लीज़ रेफर भी है ना जो, वो अपने साथ ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। वही है ना, भरा लेके आते हो, खाली लेके जाने में क्या प्रॉब्लम। पहाड़ चढ़ने में बहुत दिनों में बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे एक बात बोलूँ, ये बेचारे गांव वालों का रास्ता है और हम इसको ट्रैक बोलते हैं कि ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। वैसे ये शर्मनाक बात है ना। सही में मतलब गांव के रास्ते वैसे बोलते हैं ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। हाँ, बेचारे रोज का सामान ले जाना, बड़ा हम एवरेस्ट की ट्रैक कर रहे हैं। हाँ, वो रोज पता नहीं कितनी बार उतरते होंगे। आज पानी पहले सुबह भी खूब सारा पी लिया था और अब भी, ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। चलने में ज़्यादा होता है क्योंकि हम भूल जाते हैं ज़्यादातर पानी पीना। शर्मा जी स्पेशल। नहीं आपसे मिल लेंगे वाटरफॉल आके, नहीं वाटरफॉल आएंगे फिर ऊपर जाएंगे ना। नहीं मैं आ गया, बस 5 मिनट पहुंच रहे हैं ऊपर। सुबह गए थे ना, कल गए थे, मतलब आना जाना फिर भी तभी। हाँ। तो ये सेहत है शर्मा जी, देख लो। हाँ। पहाड़ चढ़ोगे तो ऐसे हो जाओगे। चलते चलते सांस चढ़ जाए तो एक वही जो मैंने अभी उसमें एपिसोड में बताया था ना, डीप ब्रीथ लो, मुंह से निकाल दो, टेक डीप ब्रीथ और मुंह से निकाल दो। ब्रीदिंग बहुत काम आती है यहाँ पे। जल्दी आओ, कम ऑन। भाभी जी घर पे आगे सर के हप्पू सिंह का जब जितना पेट हो जाता। हाँ, वो सेम आपके जैसा है, हप्पू सिंह जैसा ही पेट है आपका। हाँ उतना नहीं है। अरे हप्पू सिंह जैसा ही है, पूछ लेना भाइयों बहनों, बता देना हप्पू सिंह जैसे ही है ना, सीरियसली। भाई इतना नहीं है देखना। वो तो अभी हप्पू सिंह सांस खींच के ना अंदर कर लेते हैं सच में। हप्पू सिंह का पेट सांस खींच के अंदर, हप्पू सिंह का पेट सांस खींच के भी अंदर नहीं हो सकता, इतना निकला हुआ है। ये देखो देखो बेचारे का निकल आता है। कुछ ही महीनों में अक्षय कुमार जैसा पेट होने वाला है। ये है कट। मैं अगर मेरे स्टाइल में खड़े हो गए तो लेफ्ट हैंड में वाटरफॉल पे जाएगा और राइट हैंड में वाटर वो पटना विलेज। ये नीर वाटरफॉल का ना, नीर नहीं है, पटना वाटरफॉल। शर्मा जी चलते चलते क्या हालत कर ली अपनी, कुछ लेते क्यों नहीं, च्यवनप्राश का ये वाटरफॉल का भाई बोर्ड लगा हुआ है। भाई ने ना शिव ने बुला लिया कि आप इस कट पे आ जाओ और वो खुद गायब है। एक भैया ने बोला था ना कि यारदाश कम हो गया, क्या शंख पुष्पी पिया करो। वो भैया आ रहे हैं हमारे को लेने के लिए। शिव भाई देखो कितनी मेहनत से अपनी जॉब वो शॉप वगैरह छोड़ के, ये होता प्रेम। हाँ है? और इन्होंने खुद ही बोला था कि मेरे साथ चलना, मैं मेरा गांव मतलब दिखाना एक बार। देखो कैसे रनिंग करते आ रहे हैं शर्मा जी। ये जब तक आप वेट नहीं घटा लोगे मैं पीछे पड़ी रहूंगी आपकी। फाइनली मैं तो अभी जा रहा हूँ वाटरफॉल की तरफ और सर लोग जा रहे हैं ऊपर गांव की तरफ, तो चांसेस ऐसे हैं कि हम लोग यहां से ही नीचे चले जाएंगे, शायद मिलेंगे, नहीं तो फिर कभी मिलते रहेंगे। तो फिलहाल आप सर शर्मा जी जाएंगे इधर, मैं जाता हूं उधर। ये अगले ब्लॉग में गांव आएंगे। हाँ। नेक्स्ट टाइम ठीक है। अच्छा भाई बाय, सी यू गाइस, देख लो भाई ये कह रहे थे ना जाते नहीं है, भाई साहब भी इसी गांव से हो, इसी गांव से हैं भाई साहब भी ना, आपकी तरह पराठे खाते होंगे ज्यादा। खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि इनका वजन भी 15 किलो ज्यादा है। रोज उतरते हो आप? रोज आते जाते हैं खड़ी चढ़ाई पे से। एक्सरसाइज से ज्यादा जरूरी है ना खाने पे कंट्रोल है, अगर वो नहीं है तो फिर शायद ब्रह्मा जी भी हमारा वजन नहीं घटा सकते। तो ब्रह्मा जी को ही उतर के आना पड़ेगा। पटना फॉल से पटना गांव की दूरी है 1 या 1.25 किलोमीटर होगा, वैसे जाके पता लगेगा। आज मैंने स्टारवा भी नहीं चलाया अपना पता, वैसे ये तो है फिटबिट तो। इतना समझदार है, हमारी वेट कर रहा है कि कब हम निकले कब ये जाए, साइड से रास्ता कर लिया बेचारे ने। अरे शर्मा जी सीढ़ियों वाला रास्ता आ गया, आई हेट स्टेयर्स। ये आपके तो, जैसा खड़ू से देखना रास्ता नहीं छोड़ रहा। तो थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत आ गई है। किसको? हमें। क्यों क्या हो गया? रेस्ट ले रहे हैं आराम से, वो खच्चर भी खड़ा हम भी खड़े हैं। आप खच्चर हो? साइड में हो जाओ भाई, जान दे। नहीं जाने देगा। पूरी
खड़ी चढ़ाई है ये। अभी तो आपने शर्मा जी ऊपर नहीं देखी है, आगे भी खड़ी है क्या? बिल्कुल। चलो दिखाते हैं। फाइनली कितना सुंदर सा गेट है शर्मा जी, क्या ये गांव का गेट है? और गांव में जीवन के साधन इतने ज्यादा लग्जरी नहीं है जैसे मैडम आपके पास हैं। आपके शर्मा जी ने बहुत मेहनत करी है। अच्छा। इस वजह से आप ये हमने आपका पूरा साथ दिया इसलिए आप मेहनत कर पाए, नहीं तो बहुत से मेहनत नहीं कर पाते हैं, जिंदगी झंड हो जाती है उनकी। समझ इसकी सुंदरता का राज ये है ऋषिकेश योग पे। भाई यहाँ भी चल के देखना चाहिए जब इतनी दूर आए हैं तो। भाई काफी लोग पूछते हैं ना योगा हॉल बताइए, योगा बताइए, सेंटर बताइए, जो लग्जरी है। इसको डिटेल में कवर नहीं करने वाले हैं, पर मेरे को लग रहा है कि ये चीज कवर करनी चाहिए, इतना सुंदर है ये। हाँ बिल्कुल शांति, हमें पता तो था लेकिन हम तो गांव के लिए। ये मेरे को सबसे अच्छी चीज लगती है किसी भी जगह पे ना, ये मतलब मिट्टी और गोबर और भूसे से लिपे हुए जो घर होते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है। भाई इस योगा हॉल सेंटर के इंचार्ज हैं और किस्मत से हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। तो कैसे जानते भैया हमारे को? एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम पे ना मेरठ रहता था, तो मैं इधर आना तो था ही, तो उस टाइम पे रेस्ट्रिक्शन वगैरह चल रहे थे, तो जैसे तो मैंने स्टार्टिंग की यूट्यूब पे सर्च करके, तो आप लोगों की वीडियो सामने आई। ये तो है स्वर्ग, ये भाई स्वर्ग है, वाकई में स्वर्ग है, बहुत सुंदर है। कभी भाई के साथ बैठ के ये ना इस पूरे हॉल के बारे में दिखाएंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ विलेज दिखाने के लिए आए थे, ऊपर हमारा इंतजार कर रहा कोई, वहाँ पे लेट हो जाएंगे नहीं तो। देखिए हवन कुंड भी बनाया हुआ है, यहाँ यज्ञ भी करते हैं, एक जैसे पूर्णमासी हो गई, अमावस्या हो गया, कोई भी फेस्टिवल हो गया बड़ा, उस पे करते। इस योगा सेंटर के बगल में से ही गांव का रास्ता जा रहा है और कितना ह्यूज है ये योगा सेंटर भी, हम सोच नहीं सकते थे इतना ऊपर आके इतना बड़ा बना हुआ है। शोर मचा रही है, आप ज्यादा तंग कर रहे हो। क्या कह रही है इसकी सहेली? लिखा हुआ था वो मिट गया, नंबर प्लेट नहीं थी, सोचा करो। इस दिन मैं पेंट से लिख के जाऊंगा। पटना गांव में आपका स्वागत है। कुछ भी हो पर बहुत दिनों बाद ट्रैकिंग करके मजा आ गया। किसी के घर जाके बोलो ट्रैकिंग हो गई, ये देखे बेचारे काम से आए हैं। ये भाई काम से आया है। ये बहुत से लोग हैं ना जो गांव वाले कई बार हमारे पास हंसते हैं, हाँ मतलब तुम्हें नाटक मिल रख रहा है। आज हम गेस्ट हैं यहाँ पे। बेबात के गेस्ट। से भैया ने बताया नहीं, उन्होंने कहा कि है ना कोई फंक्शन है आज। मैंने फंक्शन नहीं, कुछ हमारा फेस्टिवल है। हाँ फेस्टिवल है। हाँ अब पता चल रहा है। ये तो किसी की पर्सनल रिटायरमेंट है, कोई हमारा भाई फौजी भाई रिटायरमेंट लेके आए हैं। हाँ। तो उनका फंक्शन है। फाइनली गांव में पहुंच ही गए हम। अब हमें पता नहीं है जाना किसके घर है, इधर जाना है। शर्मा जी मेरे पास नंबर है, भैया ने नंबर दिया था। का बेटा है, नाम बता दे भाई। रोहित। रोहित क्या करते हो? स्कूल है अभी। स्कूल है, हमें लेने आए हो? हाँ। मैंने फोन किया था ना, फोन नंबर दिया था, भटक गए थे तो भाई लेने के लिए आ गए बच्चे। यहाँ आके ना मतलब गांव में किसी में भी जाओ अलग ही नजारे। भाभी जी ने हमें बेमतलब का मेहमान बना दिया है। पार्टी में इनवाइट कर रही है, पर्सनल फंक्शन है, खाने चलो।
और ये पत्ता गोभी उगा रखी है देखो। हाँ, ये पत्ता गोभी फूल गोभी सब है। इंस्टेंट मेहनत गांव में लगाया था और धूप के लिए टेंट को खोल दिया। ये सब हमें गांव में ही देखने को मिलता है, जैसे हम लोग के टाइम में होता था ना पहले। किसी की जरूरत नहीं, तो शहरों में तो ढूंढते हैं कि उसको हेल्पर को बुलाओ, टेंट वाले को बुलाओ। ये देखो खुद ही मिलके कर दिया काम, घर के बच्चे लग गए और सब काम निपटा दिया। ये पीली सरसों, इसको सुखा रखा है इन्होंने ना। सरसों पीली है या काली है? पीली है, ये देखो पीले फूल है। हाँ, पीले तो होते हैं, तो कैसा किस बीज निकाल के दोबारा उगाएंगे? ये सरसों पीली है या काली वाली है? कौन सी वाली है? काली वाली है। भाई साहब के रिटायरमेंट का वीडियो यूट्यूब पे हमेशा रहेगा। कहावत सुनी होगी आपने, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बेगानी बेगाने फंक्शन में शर्मा जी दीवाने। अभी तक आपने शहरों की कीर्तन मंडली बहुत देखी होगी, गांव की आप पहली बार देख रहे हो। तो फाइनली अब्दुल्ला खाने में खाने जा रहा है। ये रहा अब्दुल्ला। आप शर्म। अच्छा, ऐसी बनती है? ऐसी बनती है। आ जाओ इधर, है इधर आ जाओ। कैसा लग रहा है खाना? अच्छा है। हाँ भाई, कैसा खाना लग रहा है? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है तेरा? ईशान। है ईशान? ईशान ईशान ईशान। ये भाई छोटे भाई का जो बेटा है आदि, उसकी याद आ गई। ये भी आदि है। याद ही शरारती है। आपने पहले कभी खाया है ऐसा भोजन? बहुत बार खाया है, पर बहुत टाइम बचपन में, बचपन में हमारे शादी वादी में नहीं खाया, वो खाया है भंडारों में खाया है। पूरे मीठे के शौकीन है शर्मा जी की तरह, पूरा मांग रहे हैं। देखो हम खाते हैं, हम लोग मांगते हैं लड्डू जलेबी समोसे, वो पुराने स्टाइल में पूरा खा रहे हैं। बढ़िया, मजा आ गया। हाथ से चावल तो हमने बहुत बार खाते देखे हैं, पानी पर हाथ से चावल परोसते हुए पहली बार देखे हैं। और सब हाथ से ही खाना खा रहे हैं, देखो यहाँ पे हाथ से खाना खा रहे हैं। तो ये है गांव का कल्चर, आनंद है ना, वो डबल होता है। वाकई बहुत टेस्टी खाना है, दाल भी बहुत टेस्टी है, सब्जी बहुत टेस्टी है। और हाथ से खा के ना, नीचे बैठ के खा के डबल दुगना मजा हो जाता है। डबल हो गया हाथ से खाने पे ना, वीडियो भी पेंडिंग है मैडम, बनाना किस दिन सोफा व्लॉग, उसमें बताऊंगा डिफरेंस क्या है।
हांडी में बनी है ना, हाँ उसकी वजह से स्वाद और वो भी चूल्हे पे धीरे धीरे। तो भाई अगर मेरे को पहले बता देता ना कि किसी का पर्सनल फंक्शन है, थोड़ा सा बस नहीं आता तो मैं शायद इस चीज को मिस कर देता जो आज हमने महसूस किया है। तो भाई जो यहाँ पे खाने को मिला है ना, मतलब इसको मतलब शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। और कुछ नहीं डाल, ये खाना तो मिला ही, उसके साथ जो प्यार दी, प्यार मिला है ना, और ये भाभी जी हैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं भाभी जी की कृपा है कि हमारे को भोजन मिल गया। उस भाई ने मेरे को, शिव भाई ने क्या बोला कि गांव में ना कुछ अलग से फंक्शन है, मैं नहीं त्योहार फेस्टिवल है तो पूरा गांव मिलके मनाता है, तो मैं इसलिए गांव का ट्रेडिशनल त्योहार के लिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं हम भी सम्मिलित हो जाएंगे। तो यहाँ पे आके चला कि भाई पर्सनल फंक्शन है, पहले से बताता तो मैं मरा भी नहीं आता और मैं गलती करता और भाई ने बढ़िया करा लिया और फाइनली हम आके इतना अच्छा लग रहा है ना पूछो। दाल और सब्जी हमने कभी नहीं खाई ऐसी जो ये बन रही है ना नेचुरल। नाम नाम जिसे कहेगा आपका, नहीं वो हटाओ ना, नाम वासुदेव नोटियाल। तुमने एंजॉय किया बहुत, भोपड़े बोल रहे चैनल का नाम ही एंजॉय लाइक लोकल है। YouTube पे है आपका? सब जगह है भैया, YouTube पे भी है ना? हां YouTube पे, ये YouTube के लिए बन रही है। थोड़ा सा दिया बहुत बढ़िया लगा आप वो, नहीं आपका धन्यवाद, हमें तो पता ही मतलब नहीं, मतलब एक गढ़वाल की जो कल्चर हाँ, जो है हम उसको, हम इसीलिए आए थे, लेकिन आपका फंक्शन था ना प्राइवेट तो ये नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमारे सारे अपनी है। सुन क्या भैया बता रहे उसके बारे में, क्या बताइए, क्या है ये मधुमक्खी है उसमें? हाँ मधुमक्खी तो है। तो इसे हमने अंदर में घर में इसका एक वो बना रखा है, इसे अंदर भी जाके देखो कमरे के अंदर में इसका कनेक्टेड वो है, जल्दी दिखा दीजिए, चलो दिखा दो। ये इसमें इसका छत्ता है। अच्छा अब हम इसको जो है इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर ही इसका पूरा शहद फिर यहाँ से निकलता है। ये पहले के लोग मतलब बी ऐसे कलेक्ट करते थे यहाँ से ना, मतलब जो आजकल न्यू ट्रेडिशन चल रहा है ना, ओल्ड मतलब वो कल्टीवेशन है बी कलेक्ट करने का। अच्छा शहद यहाँ से इस तरह से निकालते थे, पानी ऐसे कलेक्ट होता है इसमें से। अच्छा वो उधर से फिर उड़ा देते हैं? हाँ वो उड़ जाती है, फिर वो दोबारा आती है, फिर शायद बनाती है, उधर से उड़ जाती है, सेफ रहता है, सेफ रहता है ना, इधर से फिर उसका वो अंदर का वो छोड़ देते होंगे, वो अंदर छोड़ते हैं, उसमें हानि कलेक्ट कर लेते हैं। जब ये चला जाएगा ना तो हम क्या करेंगे, बिच्छू मारेंगे और इसमें डालेंगे, स्मेल से फिर वापस आ जाएंगे। इसको लगभग मेरी लाइफ, मेरी उम्र होगी करीबन अगर ये चले गए उड़ गए मतलब, तो इनकी मादा जो वो होती है वो आती है। अच्छा हम इन मादा के पीछे सब आएंगे, सारे आएंगे मतलब, तो भाई ये इसका हमारा नई चीज पता लगी है, ये शायद पुराना मतलब ओल्ड ट्रेडिशनल तरीका है। बहुत बड़ा इंतफाक है कि आप लोगों से हमारा हुआ, और वो चैनल का जो है मेरे को उसका वो कर देना लोकल, हम शिव भैया को दे देंगे ना वो भाई, हम तो भैया ये पिठाई, ये रसम होती है, नहीं 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 एक ही होगी ना, ना ना बिल्कुल नहीं, अरे नहीं नहीं ऐसे, अरे भैया हम कुछ लाए भी नहीं, हमको भी तो लाना चाहिए थे, हमें पता होता तो दुआएं बढ़ के और क्या हो सकता, दुआ आशीर्वाद तो आप लोगों का है कि इस देव भूमि में मतलब इतना प्यार मिल रहा है हमारे, सच में ये चीज ना हमें मतलब गाँव में ही अब देखने को रह गई है, नहीं तो अगर हम किसी के अनजान के घर जाएंगे ना पहली बार में तो ऐसा फील होता है कि हम मतलब खुद ही शर्म आती रहती है यहाँ, लेकिन हमारा नहीं है ऐसे, गाँव कि मैं आके ना बिल्कुल नहीं लगा कि हम अनजान और अनजान के बीच में खड़े हैं। हमारे यहाँ इनको पूड़े बोलते हैं, मीठे पूड़े, पूड़े अलग चीज है जी, गुल गुल। अच्छा ये अरसे है, ये कैसे बनते हैं चावल? इसका बड़ा वो है, इसके वो लगाना पड़ता है, शुभ माने जाते हैं, ये हमारा मतलब जैसे हमारे यहाँ पे रिश्तेदारों के लड्डू कचौड़ी वगैरह बांधते हैं, लड्डू ये गाँव का कल्चर है। और एक बात बताऊँ, ये सारे भाई सब जो है ना ऋषिकेश में रहते हैं, ये मनाने अपने गाँव में आए हैं, बिल्कुल
बिल्कुल पैतृक गांव में आए हैं। लोगों से मेरा पैतृक गांव ये था, पढ़ा लिखा मैं यहीं से, सारा मेरा यही सारा बचपन यही बीता, लोगों से भी प्रेम है मेरा सभी लोगों से। तो अपने गांव में सेलिब्रेट करने आए हैं, यही प्रेम का तो भाव है जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम वहाँ तो हम वैसे गए हैं तो हमने गाँव में मजबूरी है सबसे बड़ी बात, सारे साधन अगर यहाँ मिल जाए तो घर परिवार गाँव किसी को कोई नहीं आता, कोई छोड़ के नहीं जाएगा अपना घर। बता तो हमारी भी बेटियों को अगर हमने कनाडा भेजा है, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती तो कोई हमने उनकी भैंस थोड़ी खोली है कनाडा जाएंगे, ऐसे इनको मजबूरी होती है। अगर इनका यही रोजगार सब होता तो कोई गांव से पलायन भी नहीं करता, बिल्कुल नहीं करते। आज यही सबसे बड़ा कारण है, रोड की समस्या है सबसे ज्यादा ना भैया, ना कि रोड आपका अप्रूव हुआ पड़ा है 2007 से वही फंसा हुआ है। हाँ जी 13-14 साल नहीं, हम अभी ये रास्ते में ना यही बोलते आ रहे थे कि हमें कभी कभी आते हैं तो हमें लगता है कि ट्रैक करने आ रहे हैं, पर जो यहाँ के जो लोग हैं ना, मतलब जो रहने वाले हैं, उनकी डेली लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है। कम से कम इतना रास्ता हो तो कि स्कूटी से तो जा सके, स्कूटी से तो हम आ सकते, कार का ना हो स्कूटी का रास्ता तो दे दे, बना दे बुजुर्ग और बीमारी। हाँ बीमारी में के कोई बीमार हो जाए कुछ हो जाए, कुर्सी पे डालेंगे चार आदमी लगेंगे, बताओ वहाँ उतारेंगे, कुर्सी पे लेके जाते हैं चार आदमी अगर कोई बीमार हो जाए तो। तांबे के बर्तन में पानी पिया जाता है तो शुद्ध, एक तो पहाड़ की शुद्ध हवा और शुद्ध पानी, झरनों का पानी और वो भी कहाँ से, और तांबे के जड़ी बूटियों में। गाँव का स्टोर रूम है इसमें ना, ये नेचुरल फ्रिज है, ये नेचुरल फ्रिज है, खराब इसमें चीजें खराब नहीं होती, पूरा मिट्टी से ऊपर अभी हम थे ना वो दलक सी लग रही थी। शर्मा जी चक्की चलाओगे तो पेट कम हो जाएगा। मैंने ना जब ऋषिकेश एक बार शिफ्ट हुए थे तो मैंने प्लान बनाई थी कि एक चक्की है ना डेली 1 किलो आटा पीसा करेंगे, आप इसने मना कर दिया, फिर मैं लाया नहीं। ये पूजा रूम है, चूल्हा है ये, और ये कमरा ऐसा है कि आप पता लगेगा बाहर ठंड भी है इस टाइम पे, इतना गर्म वो है कमरा, गर्मी में ठंडा रहता है, गर्मी में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है, आपको देखिए पता लगा गर्म वैसा है। हाँ और ये भगवान का कमरे की तरह चप्पल वप्पल नहीं लाई, चप्पल बिल्कुल जैसे दादी हमारी 96 ईयर्स ओल्ड है, 96 की दादी ये, हां जी क्या 96 साल की हो आप दादी, बता दो कमरे के बारे में, क्या क्या कमरा, कमरे के बारे में बता दो, कमरा क्या है ये? कमरा ये भी है, ऊपर है, ऊपर देख लिया। ये कमरा क्यों खास है? ये कमरा ठंडे को ना आग जलाया बैठ गया, आग तपो ठंड नहीं छोलने के बर्तन है, मतलब पहले मट्टा मतलब इस बनाया था। ये इक्विपमेंट से पहले जो पहले यूज करते थे ओल्ड मतलब टाइम पे, मट्टा बड़ा इसमें दादी पहले मट्टा बनाती थी इसमें दादी, ये सारे तो भगवान के ही होता है ये है भाई देखिए। हाँ, ये वाले इसको ऋषि मुनि यूज करते हैं इसको। अच्छा इसको क्या बोलते हैं दीदी? नरसिंह। नहीं नहीं नरसिंह कमरा तो, ये वाला क्या होता है डंडा जो होता है, टिमुरु कहते हैं इसको, नरसिंह झूमे पूजा का होगा ना, पूजा का है ये। अच्छा भोले बाबा का। घोड़े की जो लीद होती है वो बार है ना, उसका पहाड़ है ये, मैंने कहा ये पता नहीं क्या बना रखा है, करते हो लेपते हो घरों को ऐसे ही, गाय के गोबर से लिपते हो? हाँ गाय के गोबर से लिपता। पूछे कि घोड़े गधे की लीद से कोई घर लिपता नहीं, तो मैंने पूछा ना इसीलिए, वो कह रहे इसका पहाड़ी बनता है, कुछ नहीं होता बेवकूफी, यही जो डाउट हो पूछ लेना चाहिए। कितना सुंदर लग रहा है ना फूल का बगीचा, शर्मा जी देखो कितनी बड़ी घिया, कितनी बड़ी घिया। कितना सुंदर गार्डन है ना। कितना बड़ा फूल है डालिया का, यहाँ ये चिड़ियों का दाना डालते हैं, चौक है ये, राम जी की चिड़िया, राम जी का चौक। दमयंती भाभी जी ने ना मतलब चाय पिए बिना जाने नहीं दिया। पहले भी कह रही थी जब नहीं, तो इसको याद होगा मेरे मौसा जी हैं दिल्ली में,
वो जब भी हमारे घर जाते थे या हम उनके घर जाते हैं, खाना वाना खा लिया, एक दी एंड की चाय होती थी। वो कहते थे दी एंड की चाय बना लो बस। दिल्ली NCR या मुंबई वगैरह में रहने वाले लोग जो फंक्शन निपटता है ना, अगर 10 मिनट ऑटो लेट हो जाए या टैक्सी लेट हो जाए तो चिल्लाते हैं घर पे नहीं चाहिए। ये देखो बेचारे, ये बच्चे मेहनत करके, ये देखो पूरा बैग बैग लेके नीचे आ रहे इतनी दूर। मजा आता है? अच्छा, हम भी जैसे दिल्ली वगैरह सब छोड़ के तो आए हैं, एक से एक बड़े बड़े मॉल हैं, सारी चीजें हैं, जो यहाँ का पानी बस बस। ये रास्ते में ऐसे मजे लेते चलते हैं, इतने सारे बच्चे जा रहे थे, वो पूछ रहे हैं भैया कितने कितने किलोमीटर रह गया, बोल रहे नहीं कितनी दूर है, 100 मीटर 100 मीटर भी नहीं है, कह रहे 4 किलोमीटर रह गया, कह रहे मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने भाई देखो उत्तराखंड के लोगों से पूछो ना आप जहाँ भी जाओगे, अरे भाई जी मैं थोड़ा दूर है, और हरियाणा, हम तो हरियाणा वाले, हम तो भाई कति मर जाएगा आज। यार वीडियो को ना यहीं एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई यहाँ तक वीडियो देख लिया करो तो एक लाइक को दबा भी दिया करो, सच में बहुत मजा आया देख के। मतलब अब तो 10-15 हज़ार लोग तो रेगुलर देखते हैं, तो कम से कम 10-15 हज़ार लाइक तो आने चाहिए वीडियो में। हर गंगे हर हर महादेव। माता पिता बोल दे, तू बोल। माता पिता बच्चों का ध्यान रखे, बच्चे माता पिता का ध्यान रखे, ये मुझे बोलने नहीं देते हैं, मेरी आवाज दबा रखी है नारी शक्ति।